एक दो गणपति बप्पा पिक्चर सुपर नारियल का बहुत साथ उड़ा है। चाचू की शादी बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत लोगों ने इसको बहुत पसंद किया। सुमित ने एक चैलेंजिंग रोल किया था उसमें। एक हीरो जब लॉन्च होता है तो अपने आप को बहुत अच्छा तगड़ा स्मार्ट दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन ये चैलेंजिंग रोल था। इसमें काला लड़का बना था, काला लड़का था इसका, और इसका क्लिप बहुत वायरल हुआ, फिल्म बहुत बड़ी थी। और चाचू की शादी उससे भी अच्छी तो क्या बोल सकते हैं, अच्छा ये तो पैमाना होता नहीं है, अच्छा काम करेगा, अच्छा अच्छी बनेगी, लेकिन एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत जल्दी इसकी शूटिंग चालू होगी। सुमित के लिए मैं दो लाइन नहीं बोलूँगा, परिंदों को मिलेगी मंजिल यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, जो लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में उनके पूरा बोलते टीवी पे टॉप टीआरपी में गिनती आती है ये फिल्म, तो मैंने भैया से रिक्वेस्ट किया कि भैया इसका पार्ट टू बनाने का मुझे मौका दीजिए। तो मैं चाहता हूँ कि इसके पार्ट टू में आप सिर्फ इस पार्ट टू के बारे में ही कम से कम दो शब्द बोल दीजिए। देखिए, मैंने एक फिल्म किया था मेरे चाचू की शादी, उसका पार्ट टू मैं आज अपने होम प्रोडक्शन से अनाउंस करता हूँ, बहुत जल्द इसका पार्ट टू मैं करूँगा। और इसके आगे भी मैंने आपके साथ सोचा है देवर भाभी, तो उसके लिए भी हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे और उसको कंफर्म करेंगे। आप कुछ बोलिए। सरप्राइज है मेरे लिए कि देवर भाभी अनाउंस हो रही है आज, एंड मैं बिल्कुल मेरे चाचू की शादी टू इसकी मैं वन देखूंगी डेफिनेटली, क्योंकि क्या टू में आने वाला है मुझे वो भी जानने की एक्साइटमेंट है, इसके लिए वन देखनी पड़ेगी। सो मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करती हूँ पूरी टीम को। पहली फिल्म आपकी जिस तरह हिट हुई है, आपकी सेकेंड फिल्म भी वैसे हिट हो, नो डाउट आप बहुत अच्छा एक्टर हैं एज अ सिंगर, एज अ राइटर आपने अपने आपको साबित किया है, और मुझे पूरा यकीन है कि एज अ एक्टर भी आप बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि दो गाने करने का जो एक्सपीरियंस मेरा आपके साथ रहा, ये रहा कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप नर्वस नहीं होते हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, और नो डाउट आपको भोजपुरी लैंग्वेज की अच्छी खासी पकड़ है, जो बहुत ज़रूरी है भोजपुरी फिल्म के लिए। ऑल द बेस्ट और कंग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। खुशी को कौन जान सकता है। सुमित को बेटे के जैसा उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मुंबई लेके आया, आज बच्चा इतना अच्छा कर रहा है, और सबसे अच्छी बात है कि सबका सम्मान करता है। मैंने यही सिखाया है जो मैंने अपने पिताजी से सीखा है कि बेटा सबका सम्मान करो, सबको प्यार करो। निर्देशक डायरेक्टर फर्स्ट, डायरेक्टर इज़ द कैप्टन। जब तक निर्देशक की फिल्म बनती थी तब तक भोजपुरी को हम लोग बहुत अच्छे सम्मान देते थे। निर्माता की फिल्म जब से बनने लगी है तो शायद भोजपुरी का वो सम्मान जो है कहीं ना कहीं धूमिल हो गया है, तो सभी निर्देशक का पहले सम्मान किया जाना चाहिए। यही मैंने सुमित को सिखाया है और वो करता भी है। बहुत सारी कहानियां हैं, अगर मैं सुमित के बचपन की बात करूंगा तो बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी कॉमेडी भी उसमें है। जिस तरीके से ये गाना लिखता था, जिस तरीके से मुझसे पूछता था कि भैया किरण का मतलब क्या होता है, पवन का मतलब क्या होता है, रात को 1 बजे उठा के पूछता था। मैं बोलता था बेटा किरण का मतलब प्रकाश होता है, पवन का मतलब रात को 1 बजे आपको उठाने की आवश्यकता पड़ती थी क्या? हाँ, लिखता था ना बगल में, भैया 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 गाना लिख रहे हैं बताइए, और बहुत खुशी आँखों में आंसू आ जाते हैं। एक दिन था, आज से करीब 2009 की बात है, 8 की बात है शायद, मैंने सुमित को एक 500 का नोट दिया और कुछ, मैंने कहा बेटा जाओ घूमो। और 2022 में एक दिन मुझसे उसने कार पे बोला, मैं कार ड्राइव कर रहा था, बोला भैया आपको वो दिन याद है जिस दिन आपने मुझे एक 500 का नोट दिया था? मैंने कहा शायद दिया होगा, याद नहीं है। तो उसने बोला भैया जीवन में पहली बार वो 500 का नोट मैंने देखा था। तो ये 2022 में उसने मुझसे शेयर किया ये बात। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, बच्चा लायक है, अच्छा कर रहा है, आप सब लोग सिनेमा इंडस्ट्री के लोग उसको प्यार दीजिए। सर बताइए। सुमित बहुत ही टैलेंटेड है, हमारे पुराने मित्र हैं, और सबको पता है कि उन्होंने 1 से 1 हिट गाने लिए हैं, और
सुमित इससे खुशी बात यही देखते हुए मैं मतलब मेरी अक्टूबर से उनके साथ दो फिल्में शुरू हो रही है, उनकी यही काबिलियत देख के। ये सुमित खुद ही बता देगा इंटरव्यू, बाकी सब ठीक है। गाना बहुत अच्छा लगा, मैं चाहूँगा ईश्वर करे ये बहुत ट्रेडिंग में फास्ट जाए बस। अच्छा सर, जानना चाहूँगा क्या करना चाहेंगे सुमित जी के बारे में और रानी जी के बारे में जो गाने कैसा लगे गाने के बारे में सर? रेडी हो गए सर? सुमित इस समय इंडस्ट्री का उभरता हुआ एक कलाकार, बढ़िया कलाकार है और सिंगर भी है और एज अ गीतकार काफ़ी प्रसिद्ध है सुमित सिंह चंद्रवंशी। और रानी जी के बारे में क्या कहना, वाज से नहीं मतलब कई वर्षों से राज कर रही हैं भोजपुरी इंडस्ट्री पे। सर कहने के लिए क्या है, अभी हम गाना तो सुने हैं बलमुआ वाला, और सुमित जो है वो एक अभी उभरते हुए सिंगर है, उभरते हुए लिरिक्स राइटर तो एस्टेब्लिश है, उभरते हुए एक्टर है और सबसे बड़ी बात है छोटे भाई साहब हैं। और रानी चटर्जी के बारे में बोलना मतलब बहुत बड़ी बात हो जाएगी क्योंकि उनके सामने हम लोग बहुत छोटे थे और आज कुछ अच्छा सा काम कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी लीजेंड एक्ट्रेस है हमारे भोजपुरी सिनेमा की, तो उनके बारे में हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे। बस इतना ही है कि मतलब उनको देख के हम लोग इंडस्ट्री में बहुत कुछ कर रहे हैं। चलिए शुक्रिया। पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, और सुमित अपना छोटा भाई है, वो ऐसा ही आगे बढ़ते रहे, हम सब बैक सपोर्ट के लिए खड़े हैं। आपसे बताइए क्या कहेंगे भाई? मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा और मैं आप लोग के साथ मैं 2 बजे था लेकिन अभी इसलिए फिर आया दोबारा कि हमारी फेवरेट जूस है, मैं फिर लौट के आया कि हमारी फेवरेट रानी चटर्जी आई हुई हैं और मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ हमारे, मतलब 30 साल से मेरी पहचान। क्या चल रहा है बाकी जीवन में? जीवन में बहुत सारी फिल्में हैं और सब शूट चल रहा है और कल से शूट स्टार्ट हो रहा है अर्धनारी पार्ट 2 का, यश जी का तो काम चल रहा है। लगे एक्टर ही बन गया? नहीं नहीं, आई एम नॉट एक्टर, मैं म्यूजिक डायरेक्टर ही अच्छा हूँ। गाना बहुत अच्छा बना है भाई, गाना बहुत अच्छा है, उनको बहुत बधाई पूरी टीम को। हाँ मैंने देखा सुमित चंद्रवंशी जी एक बहुत ही उम्दा गीतकार रहे हैं और इसके बाद उन्होंने एक अभिनेता के तौर पे भी काम करना शुरू किया तो उसमें भी सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं और एक अब देख रहे हैं कि सिंगर के रूप में अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं और अच्छा उनको प्रसाद मिल रहा है। तो ये जो एल्बम है हमने देखा यूट्यूब पे तो बड़ा सुंदर प्रयास किया है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री की एक अच्छी अभिनेत्री जिनके बारे में पूरा देश जानता है, उत्तर प्रदेश बिहार पूरा पूर्वी का क्या कहा जाए, पूर्वांचल के लोग बड़ा सम्मान के दृष्टि से देखते हैं। रानी चटर्जी जी अभिनेत्री रही हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की, वो साथ में हैं तो अच्छा लग रहा है, दोनों की जोड़ी को मैच कर रही है, बड़े अच्छे तरीके से उसको पिरोया गया है और समाज के सामने बहुत सुंदर एल्बम को प्रस्तुत किया गया है, अच्छा लग रहा है। इस तरह से गाने बनने चाहिए, लोग इसको देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, साफ सुथरा और हट के प्रयास किया सुमित ने, बड़ा सुंदर तरीके से क्या कहा जब मोतियों को पिरो के प्रस्तुत किया है तो अच्छा लग रहा है, लोग प्रसाद मिलेगा और मैं समझता हूँ कि जो नहीं देखते थे एल्बम वगैरह तो वो भी देखने के प्रयास करेंगे और अच्छे अच्छे मेकर हैं जो एल्बम बना रहे हैं और इस तरह से आगे चल के भोजपुरी इंडस्ट्री आप लोगों की मदद से कहां पहुंची है और बढ़ती जाएगी। आज ये प्रोड्यूसर आप भी एक सिनेमा लेके आ रहे हैं जिसका अयोध्या में काफ़ी कई महीने तक मतलब शूटिंग किया है, काफ़ी बड़े लेवल पे आपने। हाँ पहले हमने अयोध्या में भगवान श्री राम के नगरी में आन बान शान बनाई थी, अभी दत्तक पुत्र बनाया, बड़ा अच्छा वहाँ के रहवासियों का सपोर्ट मिला, सहयोग मिला और सेंसर भी हो गए दत्तक पुत्र, अगले महीना रिलीज करेंगे और प्रयास है कि अच्छी फिल्म बनाने का और समाज के सामने जैसे अवार्ड के माध्यम से हमने भोजपुरी इंडस्ट्री को एक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिया उसमें मीडिया का बड़ा सहयोग रहा, आप जैसे भाइयों का सहयोग रहा है सभी का, तो वैसे फिल्म भी अच्छी फिल्म बनाने का प्रयास कर रहा हूँ, देखते हैं आगे क्या होता है। सर अवार्ड की बात ही हो गई है तो सबसे पुराना अवार्ड जो है आपका ही है और बहुत ज़्यादा आपको प्यार करते हैं, कोई सेलिब्रिटी आपको मना नहीं कर पाता है, इस बार कब होगा वो आयोजन? क्योंकि एक शाम ऐसी होती है जहाँ पर सितारों की महफिल जमती है, इस बार कब? दिसंबर में होगा
18 साल होने जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें समय आने पे आप लोग के माध्यम से, आप लोग के सहयोग से सब कुछ होता है, बताएंगे। 18वां वर्ष होगा, तो 17 साल तो कंप्लीट कर लिए, 18वां में प्रवेश कर रहे हैं, तो उसका प्लान अभी से शुरू है। दिसंबर में होगा, अभी टाइम और डेट वगैरह सब डिक्लेयर करेंगे। और अवार्ड आपका भोजपुरी फिल्म अवार्ड बालिक होने जा रहा है 18 साल में। अब मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन चलो आपने कह रहे हैं तो बालिक तो हो ही गया है, हैं। और जैसे कहा भाई ने कहा कि इंडस्ट्री के लोग बहुत प्यार करते हैं, तो ये मैं अकेला जरूर इस चीज़ को शुरू किया था, लेकिन उन सभी कलाकारों, टेक्नीशियन और दोस्तों की मदद से इस सफर को तय कर पाया हूँ। और खुशी होती, वो दौर था एक लाइन कोई लिखता नहीं था, आज लिखने के लिए लोग परेशान है, एक चैनल नहीं था, आज चैनल का भरमार है। तो ये सब खुशी होती, इस पर हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बट वो दौर था, कुछ लिखने के लिए लोग तैयार नहीं थे। आज कौन नहीं छापना चाहता, कौन नहीं दिखाना चाहता हमारी इंडस्ट्री को, वो देख के खुशी होती है। हमारी इंडस्ट्री के लोग हमें बहुत सपोर्ट किए, और उनकी ऊँचाइयाँ देख के, उनकी क्या बोलते हैं, सक्षम हो गए हैं हर फील्ड में, हर जगह, चाहे राजनीति हो, चाहे आर्थिक हो, चाहे सामाजिक हो, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक अपना मुकाम है। आपने शुरुआत करी, आपको देखते देखते आज हर शहर में, हर राज्य में भोजपुरी अवार्ड शो हो रहे हैं, गिनती नहीं है, रोजाना ही हर हफ्ते हर महीने। तो कहीं बुरा है, कहीं अच्छा है, बहुत से आरोप भी लगते हैं कि भाई खरीदा गया, बेचा गया, आप क्या कहेंगे? इस तरह से रोजाना ही अवार्ड पैदा होते जा रहे हैं, अवार्ड शो पैदा होते जा रहे हैं। अब मैं किसी पे क्रिटिसाइज नहीं करूँगा, बट खुशी होती है जितनी पॉपुलरिटी मिले, बट सम्मान के तरीके से जो चीज़ हो, सभी लोग अवार्ड करें, कोई बात नहीं, खुशी है, अवार्ड होना चाहिए, लेकिन सम्मान सम्मान होता, अवार्ड अवार्ड होता है। अवार्ड के लिए स्पर्धा होती है, सम्मान के लिए तो हमें आपको कोई भी बुला के सम्मान दे सकता है। हर लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं, और हम किसी पर क्रिटिसाइज नहीं करना चाहते। हमारे यहाँ सिस्टम है वो आप लोग जानते हो, करोड़ों में कोई खरीद नहीं सकता एक ट्रॉफी, और अन्य आज तक खरीद पाया है, और ना नॉमिनेशन नहीं खरीद सकता, ट्रॉफी की बात तो बहुत दूर है। तो वो चीज़ को मैं हमेशा जारी रखूँगा, बाकी कौन क्या करता है मुझे उस पर कुछ नहीं कहना है। थैंक यू।